हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो ट्रू ब्यूटी ड्रामा किंग पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा की मेरी 3 पार्ट्स नहीं देखी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सोजिन जुकियोंग की बिना मेकअप वाली वीडियो स्कूल में वायरल कर देती है, जिसके वजह से लोग जुकियोंग के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। इन सबसे फ्रस्ट्रेटेड होकर जुकियोंग स्कूल से भाग जाती है एंड सुहो भी जाता है जुकियोंग के पीछे उससे ढूंढने। सुहो जुकियोंग को ढूंढने के लिए उसके घर एंड कॉमिक स्टोर जाता है, बट कहीं पर भी उसके नामो निशान ना होने की वजह से वो जुकियोंग के लिए बहुत ही टेंस्ड हो जाता है। सोजुन को भी स्कूल आके उस वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है, जिससे वो गुस्सा होकर सेमी को कन्फ्रंट करता है। बट सेमी उसे बताती है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है, बट उसके क्लास में से ही किसी ने ये सब किया है। सेमी की ये बातें सुनके सोजुन समझ जाता है कि ये सब कारनामा सोजुन ने ही किया है, तो वो सोजुन को कन्फ्रंट करता है और इस वीडियो को स्कूल के वेबसाइट से डिलीट करने बोलता है। बट सोजिन जो कि जुकियोंग के प्रति जेलेसी से बिल्कुल ही ब्लाइंड हो चुकी थी, वो कहती है कि वो इस वीडियो को डिलीट नहीं करेगी। फिर जुकियोंग बहुत रात में खुद को संभाल के घर वापस आती है, जहां उसकी मुलाकात सुहो से होती है। बट जुकियोंग तब सुहो से नहीं मिलती। दूसरी तरफ जुकियोंग की माँ को पता चल जाता है कि जुकियोंग एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है, जिसको जान के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स की तरह वो भी चाहती थी कि जुकियोंग अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा एक जॉब करे। तो जुकियोंग के घर आने के बाद ही वो जुकियोंग को बहुत ही डांटती है। स्कूल में एम्बेरसमेंट झेलने के बाद घर आके ये सब सुनके जुकियोंग बहुत ही गुस्सा जाती है और उसकी माँ को बोलती है कि उसने उसको डांटने के सिवाय और कुछ किया भी नहीं है एंड कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि क्यों वो इतना मेकअप करती है। तो सिंस उसकी माँ को कुछ पता नहीं था कि स्कूल में जुकियोंग के साथ क्या हुआ है, तो उसकी माँ को ये सब सुनके लगता है कि वो सिर्फ बहाना कर रही है, तो वो जुकियोंग के ऊपर और भी भड़क जाती है। बट तब उसके पापा उसकी माँ को संभाल लेते हैं। अगले दिन स्कूल में जुकियोंग की टीचर जुकियोंग की माँ को बुला के उसकी वायरल हुई वीडियो को दिखाता है, जिसको देख के उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही दुखी भी हो जाती है अपनी बेटी को कभी ना समझने के कारण। आगे जुकियोंग सोजिन से मिलती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि क्या उसने ही उसके वीडियो को स्कूल में वायरल किया है, क्योंकि वही एक लड़की है जिसको जुकियोंग के बारे में सब कुछ पता था। तो सोजिन एडमिट करती है कि उसने ही ये सब किया है और उसे वो स्कूल छोड़ के कहीं दूर जाने को कहती है। सोजिन की ये सब बातों से वो बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जिसको वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड मानती थी वही उसके साथ ऐसा करेगी। इसके बाद जुकियोंग घर पहुंचती है, जहां घर में सभी लोग जुकियोंग का मूड ठीक करने के लिए उसे समझाते हैं और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जुकियोंग सुबह से कॉमिक स्टोर में मिलती है। बहुत दिन बाद जुकियोंग को देख के सुबह बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जुकियोंग बिना मेकअप किए स्कूल में जाती है, क्योंकि वो लोगों की दानों से भागना नहीं चाहती थी, बल्कि जो लोग उसे बुली करते हैं उनका डट के सामना करना चाहती थी। इस वीडियो वाले इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, तो वो सबके सामने एडमिट करती है कि वो और सुहो डेट कर रहे हैं और जुकियोंग को ये बात एडमिट करते देख सुहो बहुत ही खुश हो जाता है। आगे स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि सोजिन ने ही जुकियोंग की वीडियो वायरल किया था और इस काम के लिए लोग सोजिन को बहुत ही गंदे गंदे बातें सुनाते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर सोजिन स्कूल से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जुकियोंग एंड सुहो एक ट्रिप पे जाते हैं एंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इसके पैरेलल में सुबह के पापा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह को यूएसए अपने पापा के पास जाना पड़ता है। सुबह जब यूएसए पहुंचता है तब अपने पापा की बुरे हालत देख वो बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद वो यूएसए में ही रहता है और अपने पापा की देखभाल करता है। फिर अपने पापा की तबीयत थोड़ी ठीक होते देख वो कोरिया वापस आने का सोचता है और सुबह की कोरिया वापस आने की खबर सुन जुकियोंग बहुत ही खुश हो जाती है। बट सुबह जिस दिन कोरिया वापस आने वाला था उसी दिन अचानक फिर से उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोरिया वापस नहीं जा पाता। और इसके पैरेलल में जुकियोंग सुहो की आने की खबर सुनके उसका एयरपोर्ट में वेट करती रहती है, बट सुहो नहीं आता। सुहो समझ चुका था कि उसके पापा के ठीक होने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो वो ये नहीं चाहता था कि जुकियोंग सिर्फ उसके आने का वेट करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करे, तो इसीलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिससे जुकियोंग बिल्कुल ही टूट जाती है और उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है ताकि वो ब्रेकअप ना करे, बट सुहो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद सीन यहाँ कट होके 2 साल बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि अब जुकियोंग एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और सोजुन एक के पॉप आइडल ट्रेनी है एंड वो दोनों अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और सोजुन अब भी जुकियोंग
सोजुन को पसंद करता था। तो सुहो की आने का कोई चांसेस ना देख के सोजुन एक करता है कि वो जुकियों को अपने दिल की बात बताएगा। तो वो जुकियों को डिनर पे बुला के अपने प्यार का इशार करता है और जुकियों को उसके साथ 3 दिन डेट पे चलने को कहता है और जुकियों उसकी ये ऑफर मान जाती है। आगे जुकियों सुहो को याद करके एक जगह पे जाती है और वहाँ अचानक उसकी मुलाकात सुहो से होती है। सुहो जुकियों को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। जुकियों जो कि सुहो के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी, वो सुहो को देख के पूछती है कि क्यों वो वापस आया है। ये कह के वो वहाँ से भागने जाती है कि तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जिसके कारण सुहो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में जुकियों की जब आंखें खुलती है तब उसके सामने सुहो को देख के वो पूछती है कि क्यों वो वहाँ पर है। तो सुहो उसे कहता है कि कैसे इस हालत में वो उसे छोड़कर जा सकता है। फिर डॉक्टर आके जुकियों को बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसको सुन के एम्बेरसमेंट के कारण जुकियों सुहो को वहाँ पे अवॉइड करके चली जाती है। इसके बाद से सुहो फिर से जुकियों की दिल जीतने में लग जाता है। इसके लिए वो सुबह सुबह जुकियों के घर जाता है, फिर वो जिस पार्लर में जुकियों काम करती थी वहाँ पर जाता है, बट सभी जगह पे जुकियों उसे अवॉइड करती है। फिर जुकियों ने जो सोजुन से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों डेट पर जाएंगे, उसके तहत वो दोनों डेट पर जाते हैं एंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जुकियों सोजुन को क्लियर कर देती है कि वो सोजुन को और डेट नहीं कर सकती क्योंकि वो अब भी सुहो को पसंद करती है। तो सोजुन उसे कहता है कि सुहो यूएसए वापस जाने वाला है, तो वो उसे जल्दी से सुहो को रोकने कहता है। तो ये सुन के जुकियों तुरंत ही सुहो से मिलने जाती है और उसके जाने के बाद ही सोजुन उसकी और जुकियों की पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है। दूसरी तरफ जुकियों सुहो से मिलती है और उसे यूएसए जाने से मना करती है। ये सुन के सुहो कहता है कि उसका तो यूएसए वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, जिसको सुन के जुकियों समझ जाती है कि सुहो और उसको एक साथ लाने के लिए ही सोजुन ने उससे झूठ बोला था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बीच की गिले शिकवे को मिटा के फिर से एक हो जाते हैं। आगे सोजिन जुकियों से मिलती है और पास्ट में उसने जो भी सब किया है उसके लिए उससे माफी मांगती है एंड जुकियों उसे माफ भी कर देती है। फिर सोजुन का ऐसे केपॉप आइडल डेब्यू होता है, जहाँ पर वो सुहो की सेयन के लिए लिखी हुई सॉन्ग को गाता है। इसके बाद लास्ट सीन में हम जुकियों एंड सुहो को कॉमिक स्टोर में एक साथ कॉमिक पढ़ते हुए देखते हैं और लास्ट में हम सुहो एंड जुकियों की कॉमिक स्टोर में बिताई हुई अपने जीवन की 3 पड़ाव को देखते हैं एंड एपिसोड 16 यहाँ खत्म होती है। तो यही थी एपिसोड 13-16 की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है @namasankee और आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है @namasankee। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।